राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी किशोरी लाल शर्मा, राहुल गांधी सोनिया गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज आप सबके बीच में हम सबकी नेता परमाननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी आप सबके बीच में आए हैं। कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी हम सबके परम आदरणीय गुरु जी श्री के एल शर्मा जी अमेठी से कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आप सब लोग भारी से भारी मतों में कांग्रेस को जिताइए। चूंकि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है साथियों, ये चुनाव आरक्षण खत्म करने के लिए भाजपा कर रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो आप सब लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समाजवादी के जिला अध्यक्ष आज सर हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी आप सबके बीच में है। मैं एक ही आप सबसे अनुरोध करता हूँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का वोट इस क्षेत्र के विकास पुरुष और आप सबकी सेवा में चालीस कार्यकर्ता का वोट इस क्षेत्र के विकास पुरुष और आप सबकी सेवा में 40 वर्षों से लगे। रिकॉर्ड ऑटो सिताने का काम करिएगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आदरणीय प्रियंका जी और मंचा सिंह हमारे अध्यक्ष जी, भैया यही खांसी करोगे तो बात आएगी, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आज की सभा में आए हुए समस्त हमारी माताएं बहनें, हमारे इस क्षेत्र के लीडर और उसके बाद सबसे बड़ी जिनकी असीम कृपा से मेरे को ये मौका मिला, कार्यकर्ता को मौका दिया। आप सब जानते हो मैं आपके बीच में 41 साल से काम कर रहा हूं और ये सबसे बड़ा मैं गांधी परिवार का एहसान हूं, एहसानमंद हूं कि उन्होंने एक वर्कर को चुन के आपके बीच में भेजा। तो अब ये है कि मैं ये धरोहर जो है इनकी, इन्होंने जो अपनी बड़ी जिम्मेवारी एक धरोहर हमारे को सौंपी है, उस धरोहर की रक्षा भी करनी है और उस धरोहर को जब आदेश होगा आप लोगों का, वो धरोहर गांधी परिवार का जब आदेश होगा वो मैं इनके लिए सौंप दूंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज प्रियंका के सामने मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाता हूँ, तो मैं प्रियंका से आग्रह करूँगा कि वो बिल्कुल सच बात नहीं है। और बहुत बोलते हैं मेरे सामने भी, आपको मालूम है डांट भी खाते हैं कभी कभी हम। सुनिए, आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, गर्मी लग रही है, हाँ लंबा बोलो छोटा। देखिए आप कह रहे हैं घर है, घर है, एक पुराना रिश्ता है आपके साथ। कल मैं कार्यकर्ताओं से मिली काफी समय के बाद, मैंने उनसे भी बातें बताई कि किस तरह से ये रिश्ता बना हमारे बीच आपके बीच। जो बाहर से आते हैं वो लोग समझ नहीं पाते कि इस रिश्ते का क्या मतलब है। और जवान है कुछ हद तक वो भी नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने वो दिन नहीं देखे थे जो जो यहाँ के बुजुर्गों ने देखे। बात की जो रिश्ता की, एक सेवा की जो परंपरा थी देश की राजनीति में, कि जनता के लिए सेवा करना नेता का धर्म होता है, वो परंपरा निभाई थी मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने। वो परंपरा निभाई आपकी सेवा की, इसीलिए आपने भी अपना प्रेम दिया, आपने भी श्रद्धा सम्मान दी और आपने भी हमें हमेशा
अपना समर्थन देकर मजबूत बनाया। तो ये एक आपस का ऐसा रिश्ता था कि हमने आपको मजबूत बनाया, आपने हमको मजबूत बनाया। और मेरे पिताजी के समय से जब यहाँ पे बहुत काम हुआ था, क्योंकि उस समय पिताजी की सरकार केंद्र में भी थी, आपके सांसद भी थे, तो बहुत काम कर पाए। और आप ही ने देखा कि कितनी तरक्की हुई। उसके बाद में मेरी माता जी आई, उन्होंने काम किया, भैया आए, वो समर्पित हुए आपके लिए, उन्होंने भी बहुत काम किए। लेकिन उसके बाद एक अलग तरह की राजनीति हमारे देश में उभरी है। पहले राजनीति का आधार सेवा होता था, समर्पण होता था, देशभक्ति होती थी। आज जो राजनीति देश में हावी है वो सत्ता की राजनीति है। किसी भी हालत से, किसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी है, गलत तरीके से विधायकों को खरीद के, तमाम गलत चीजें करके, उसमें सेवा की कम जगह रह गई है। जब यहाँ ये लोग आए भैया के सामने लड़ने के लिए, तो एक ही मकसद से आए, आपकी भलाई के लिए नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं, आपके विकास से नहीं के लिए नहीं, सिर्फ भैया को हराने आए। और तमाम बातें आपके बीच फैलाई कि हम आपकी जमीन लेना चाह रहे थे, हम आपको लूटना चाह रहे थे, पता नहीं कैसी कैसी बातें, कि हम ही चौंक जाते थे देख के कि भाई ये बातें इनको आई कहां से इनके दिमाग में। लेकिन जो हुआ सो हुआ। आप सब जानते हैं कि मेरे भाई हारे यहां से। हो सकता है उस समय आप इन लोगों की बात माने, कुछ लोगों को गुमराह करने में ये सफल हुए, लेकिन 5 सालों में आपने क्या देखा है? आपने अब वो जो नई राजनीति है इनकी, जो अलग तरह की के तरीके की राजनीति है, उसको परखा, क्या देखा? कि आपकी तरक्की नहीं हो रही है। देश भर में 10 सालों से मोदी जी की सरकार है, लेकिन जहां जहां मैं जाती हूं, मैं जब जनता से पूछती हूं कि भाई तुम्हारे जीवन में तरक्की आई कि नहीं, तो एक इंसान नहीं मिला है, एक व्यक्ति नहीं मिला है मुझे जो कहता है कि हाँ मेरे जीवन में तरक्की आई है। मैं पूछती हूँ रोजगार मिला, मना करते हैं। पूछती हूँ किसान है तो पूछती हूँ कि भाई जीवन में जो संघर्ष है, जो मुश्किलें हैं, वो बढ़ी हैं कि घटी हैं? हमेशा कहते हैं कि बढ़ गई हैं। लेकिन आप टीवी चलाते हैं, आपको ऐसा दिखता है कि जाने क्या क्या हो रहा है देश में, कि मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, जितना मोदी जी ने किया है 10 सालों में 70 सालों में किसी ने नहीं किया था। लेकिन वो जमीन पे धरातल तो नहीं दिख रहा ना। और अगर आपकी जीवन में तरक्की नहीं आ रही है, किसान के जीवन में, गरीब के जीवन में, मेरी बहनों के जीवन में, तो फिर तरक्की किसके जीवन में आ रही है? इन 10 सालों में जो बड़े बड़े खरबपति हैं, उनकी बहुत तरक्की हुई है। उनके कर्ज मोदी जी ने 16 लाख करोड़ माफ किए हैं, लेकिन गरीब किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया। आज खेती करते हो, खेती के सारे सामान पे GST है, महंगा हो गया है सब कुछ, आप खरीद नहीं पाते। जो खेती होती है उससे कमाई नहीं हो रही है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कहीं मजदूरी कर लो, खेती कर लो, कहीं नौकरी भी हो, फिर भी पूरी नहीं हो रही है आपकी कमाई। घर में 2-3 लोग अगर काम कर रहे हैं, फिर भी पूरी नहीं हो रही है। मेरी बहनें, आप दुकान जाती होंगी, दुकान जाती है कुछ खरीदने, तो ये सच है कि नहीं कि आधी चीज छोड़ के आ जाती है, कहती है चलो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको बाद में ले लेंगे, अभी जो एकदम जरूरत है वो चीज खरीद लेंगे, सच बात है ना? और आपकी सांसद जो है और यहाँ की जो राजनीतिक लोग हैं जो भाजपा के हैं, वो क्या करते हैं चुनाव के समय? आपको अपनी जरूरतों के बारे में बात करते हैं? आपके साथ ये बात करते हैं कि भाई महंगाई हम कैसे कम करेंगे, कि आपके बच्चों को रोजगार कैसे दिलाएंगे, कि खेती किसानी में से कमाई कैसे कराएंगे, ये बात नहीं करते। दुर्दुरिया करते हैं आपके घर आके, बोलते हैं भगवान के नाम पर शपथ लो कि हमें वोट मिल दोगे, करते हैं कि नहीं? किया था ना, कसम खिलवाई थी ना आपसे भगवान के नाम। तो क्या कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं आपको, भगवान के नाम पे वोट ले रहे हैं, काम के नाम पे ले? क्या काम किया है 10 सालों में?
और आपके सांसद ने क्या किया है आपके लिए 5 सालों में, ये बताएं। हम जब प्रचार करते थे, मुझे याद है, मैं यहाँ आती थी प्रचार करने के लिए अपने पिताजी के लिए। हमारा प्रचार क्या होता था कि आपके गांव में हमने इंडिया मार्क 1 लगवाया है, बिजली के खंभे लग गए हैं। आप कहते थे खंभे लगा लिए, तार भी लगवाओ नहीं तो वोट नहीं देंगे हम। कई सड़क होती थी, आप कहते थे अब खड़िंजा लगाओ, खड़िंजा लग जाता था। आप कहते थे अब पक्का बनाओ, है कि नहीं। और हमारा भी यही प्रचार होता था कि हमने ये सब काम किया है, आगे हम ये करना चाहते हैं। तो काम की बात होती थी। इससे राजनीति में ये स्थापित हो जाता था कि नेता जनता के प्रति जवाबदेही है। बड़े से बड़े नेता आए, आपके सांसद बने, सोनिया जी थी, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, झुक के आए आपके पास, आपके घरों में आए, आपने डांट भी दिया, बुरा नहीं माने, सुनिए आपकी बात। आपकी कोई समस्या होती थी, उसकी सुनवाई होती थी। उस पूरे समय किशोरीलाल शर्मा जी यहां थे, सुनवाई अगर हम खुद नहीं आते थे तो ये करते थे। हम इनसे पूछते थे कि भाई हम उस गांव में गए थे, वहां वो महिला पूछ रही थी कि उसकी सड़क नहीं बनी, आपने बनवाई कि नहीं। वो जाते थे, बनवाते थे। हर गांव का जो 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 परिवार है गांव में, जो गांव है, गांव की समस्या सब जानते थे, क्योंकि यही पूरे क्षेत्र की देखभाल करते थे हमारे लिए। तो एक अलग तरह की राजनीति थी। आज भी जहां जहां मैं प्रचार कर रही हूं, भैया के लिए रायबरेली में कर रही हूं, किशोरी जी के लिए यहां कर रही हूं, देश भर में जहां जा रही हूं, हम फिजूल की बातें नहीं कर रहे हैं, हम आपका ध्यान भटकाने वाली बातें नहीं कर रहे हैं, हम आपसे भगवान के नाम पे कसम नहीं खिलवा रहे हैं कि आप हमें वोट देंगे। आज भगवान भी चाहेंगे कि आप जागरूक बन जाए। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करना चाहती है। हम झूठे वादे नहीं करने आए हैं, 13 रुपए की किलो चीनी मिलेगी, कहाँ है भाई, 15 लाख करोड़ रुपए आपके खातों में आ जाएंगे, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। हम जहां जहां हम कह रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, वो करके दिखा रहे हैं। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है, आज भी बहनों, आज के दिन जो गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में पैसे सरकार डाल रही है। आज के दिन कर्ज माफ हुए हैं किसानों के, आवारा पशु सब जगह यहाँ खेती चल रहा है आपकी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, इस समस्या को हल किया। कैसे हल किया? जो गौठान है, गौशाला है, उनको बहुत मजबूत बनाया, मजबूत बनाया। सरकार ने कहा कि हम गोबर खरीदेंगे, तो लोगों ने जानवरों का देखभाल करना शुरू किया, क्योंकि अब गोबर खरीदी जा रही थी तो आमदनी हो रही थी उससे। गोबर खरीद के गोबर गैस बना के आपके घरों में भेजा, गौशालाओं को मजबूत बना के दूध की जो जैसे मिठाई खोया ये सब बनता है वो बनवाया महिलाओं से, वो बिकवाया, फिर दूध भिजवाया गाँव में, महिलाएं काम करने लगी गौशालाओं में। 60 से 70 हजार रुपए की आमदनी भी हो गई महिलाओं की, पूरी समस्या हल हो गई। जानवर भी छुट्टा नहीं रहा, आवारा नहीं रहा, उसमें से जो गोबर थी गोबर का भी इस्तेमाल हो गया, गोबर गैस बनी, दूध भी पहुंचा हर जगह, महिलाओं को भी रोजगार मिला, क्योंकि सरकार की नीयत ठीक थी। यहां मैं 5 सालों से खुद देख रही हूं, आवारा पशु खेत चल रहा है, आपका काम दुगना हो गया है। सुबह काम करते हैं खेत में, रात को जाके पहरेदारी करते हैं। हर खेत में जब हम जाते हैं, हम दिखते हैं, मचान दिख रहे हैं जिसपे आपको पूरी रात बैठना पड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। योगी जी, मोदी जी, आपकी सांसद कोई सुनवाई नहीं कर रहे, डट गए हैं जनता से। आपके घरों में कोई आता नहीं है, आपसे पूछता भी नहीं है कि समस्या क्या है। कार्यक्रम करते हैं तो बड़े बड़े कार्यक्रम दूर दूर से दिखते हैं, ऐसा नहीं था, यहां की परंपरा ये नहीं थी, खास तौर से अमेठी रायबरेली की। अमेठी रायबरेली की जनता हमेशा जागरूक रही है, हमेशा।
रायबरेली में मैं कहती हूँ, आपने तो इंदिरा जी जैसी हस्ती को आपने दंड दिया, जब आपको लगा कि उनकी नीति हमें पसंद नहीं है, आपने उनको भी हरा दिया, उन्होंने आत्मचिंतन किया, फिर वापस आई 3 सालों बाद, फिर आपने जिताया। ये आपकी जागरूकता है, आपकी महानता है, और ये हमारा रिश्ता रहा है। आज भैया आपके सांसद नहीं रहे, लेकिन आपको मालूम है जब कोरोना हुआ तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा उन्होंने मुझसे कि प्रियंका हम लोगों ने अमेठी के लोगों के लिए कुछ किया है कोरोना में, पता करो। उस समय नए नए हारे थे चुनाव यहां से। इंसान ये स्वाभाविक होता है कि नाराज हो सकता है, उसको लग सकता है कि मैंने इतना किया, कोशिश किया, जनता ने मुझे ठुकरा दिया। नाराज नहीं हुए, नाराज नहीं हुए। जब संकट आई एकदम उन्होंने पूछा कि हमें कुछ करना चाहिए वहां के लिए। हमने सबको फोन किया, पता किया कि अमेठी के लोग कहां कहां फंसे हुए हैं। जब लॉकडाउन हुआ, भाजपा की सरकार ने तो आपको भगवान भरोसे छोड़ दिया था, ट्रेन बंद हो गई थी, बस बंद हो गई थी, आने जाने का साधन नहीं था, लोग सारी दुकानें बंद थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। और आप सबको खुद पता है कि हम सब ने काम करके दिन रात हम फोन पे लगे रहते थे, जो जो जहां जहां फंसा था उसको घर पहुंचाने के लिए, कि ये हमारे परिवार का अपना है, ये हमारे क्षेत्र का है। तो हमारा रिश्ता टूटा नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं था। सांसद बनने से या ना बनने से थोड़ी बना ये रिश्ता, ये रिश्ता तो प्रेम से। हमें सिखाया गांव गांव जाके, बचपन में गए उनके साथ, ये दिखाया कि नेता का काम क्या होता है, नेता का दायित्व, उसका धर्म क्या होता है, किस तरह से जनता की देखभाल करनी है, किस तरह से जनता के लिए समर्पित रहना है। इसीलिए आज भी मेरे भैया 4,000 किलोमीटर चले हैं, पैदल चले हैं आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, और उसके बाद एक न्याय पत्र निकाला। न्याय पत्र में जो हमारा घोषणा पत्र है, उसमें हमने ये लिखा है कि हमारी सरकार आएगी तो हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हर साल 1,00,000 रुपए डाले जाएंगे। मतलब हर महीने आपको 8,500 रुपए मिलेंगे। जो आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, जो मिड डे मील की बहनें हैं, उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। केंद्र से जो पैसे आ रहे हैं वो उसका दुगना भेजेंगे हम, क्योंकि जानते हैं कितना काम करती हैं हम ये जानते हैं कि महिला के लिए कितना संघर्ष होता है। आप बाहर दिन में भी काम करें, खेती में हाथ बटाएं, कुछ भी करें, घर आके फिर दुगना काम करती हो, है कि नहीं? जब तक बच्चे सोते नहीं है, सोती नहीं हो, बच्चा बीमार है उसकी देखभाल करते हो, सबके लिए खाना बनाते हो, घर की सफाई करते हो, किसी ने कभी ये काम नहीं पहचाना है। हम उसे पहचानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गृहस्थ महिला के पास भी सरकार कुछ पैसे भेजे, और 50% मतलब आधे जो सरकारी पद है हम सब महिलाओं को देना चाहते हैं। मेरे किसान भाई आज जूझ रहे हैं महंगाई से, पेट्रोल डीजल महंगा है, खाद नहीं मिलती, कर्ज में आप डूब जाते हो, बेटी की शादी करानी हो, बच्चे की शिक्षा करानी हो, बेटी की शिक्षा करानी हो, कर्ज लेना पड़ता है। इतने महंगाई के जमाने में आगे कैसे बढ़ना है, घबराहट होती है। अगर 2 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती, 3 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती, तो घर में कोई ना कोई भूखा सोता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो आपकी संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, वो वापस आपके हाथों में डाली जाए। GST दे रहे हैं आप सारे खेती के सामानों के लिए, हम सारे खेती के सामानों से GST वाला टैक्स हटा देंगे ताकि सस्ते हो जाए। हम आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे। जब जब आप संकट में होंगे, आप उस आयोग में जाके अपने कर्ज माफी की बात कर सकते हैं और आपको मदद मिलेगी। पूरे देश भर में मजदूरी हम 400 रुपए की, हम कानून बनाएंगे कि 400 रुपए से कम मजदूरी नहीं हो सकती। न्यूनतम समर्थन मूल्य आजकल आपके उपज के लिए आपको मिलता नहीं है।
कानूनी तौर पर आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना पड़ेगा, कोई मना नहीं कर पाएगा आपको। आज आपके आपके खेतों में नुकसान होता है, ओले पड़ते हैं, बारिश आती है, बाढ़ आती है, आपका भुगतान नहीं होता। हम कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो 30 दिनों के अंदर अंदर पूरा भुगतान होगा। नौजवान इतने शिक्षित हैं, सारे शिक्षित हैं आज के दिन में, क्योंकि आज के दिन में गरीब से गरीब परिवार सबसे पहले ये चाहता है कि अपना बच्चा शिक्षित हो जाए ताकि उसको अच्छा रोजगार मिले। लेकिन मोदी जी की नीतियां ऐसी रही हैं कि शिक्षित भी हो जाओ, बीएससी हो, बीटेक हो, कुछ भी है, आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, लेकिन रोजगार की उम्मीद आप नहीं रख सकते। 70 करोड़ लोग आज बेरोजगार हैं हमारे देश में, 30 लाख पद खाली हैं, खाली पद हैं, खाली नौजवान घूम रहे हैं, आपने पद नहीं भरा। तो कांग्रेस कह रही है सरकार आने पर हम ये 30 लाख पद भरेंगे, हम नौजवानों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लाएंगे कि आपका हुनर भी बने, आपको काम भी मिले और आप सालाना 1 लाख रुपए कमा भी पाए जब तक आपकी कोई स्थायी नौकरी न मिल जाए। तो आप स्नातक पास होंगे तो आपके लिए ये प्रोग्राम लागू हो जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे हम, जिससे नौजवान अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहे, अपना यूनिट शुरू करना चाहे, तो उसके लिए सुविधा हम इस 5,000 करोड़ के फंड से बनाएंगे। हम चाहते हैं कि ये छोटे कारोबार, जैसे ये दुकानें जो यहाँ हैं, दुकानें जो छोटे यूनिट हैं, ये मजबूत बने, क्योंकि यही से रोजगार बनता है। हम चाहते हैं कि खेती मजबूत बने, क्योंकि एक जमाने में खेती से रोजगार मिलता था, आज इतनी मुश्किल है कि रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं। जो खेती कर रहे हैं वो सोचते हैं कि जितना हम खुद कर सकते हैं वो कर लेंगे, मजदूरों को लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर और खर्चा होगा और कमाई नहीं हो रही है कि नहीं। तो ये सब हम करना चाहते हैं। जो हमने कहा और किया उसका प्रमाण उन प्रदेशों में है जहां हमारी सरकारें हैं। जैसे मैंने आपको कहा, कर्नाटका में, तेलंगाना में महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं खाते में, महिलाओं की बस यात्रा फ्री है, तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं, मायके जा रही हैं, रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं, बहुत खुश है क्योंकि एक पैसा नहीं देना पड़ता। 25 लाख का जो 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हम पूरे देश में देना चाहते हैं। हम किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, अभी बदली है, तो हमने ये किया। 25 लाख तक सारा इलाज मुफ्त था। मैं ऐसे लोगों से मिली राजस्थान में जिन्होंने मुझे बताया, दीदी मेरी पूरी हार्ट की सर्जरी हुई है, मैंने एक पैसा नहीं दिया, सरकार ने सारा उठाया। यही 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हम पूरे देश में गरीब परिवारों के लिए हम बनाना चाहते हैं, हमने करके दिखाया है। तो हम इस आधार पे कह रहे हैं ये चीजें, ये गारंटी दे रहे हैं कि हमने करके दिखाया है। आप तो पहले से ही जानते हैं कि जब जब हम आपके सांसद रहे, हमारे परिवार का कोई सदस्य रहा, तो काम करके दिखाया, इसीलिए आपने हमेशा समर्थन किया हमारा। तो किशोरी जी भी परिवार सदस्य के समान ही है, उन्होंने 40 सालों से आपकी सेवा की है, हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर आपकी लड़ाई लड़ी है, आपके लिए न्याय की लड़ाई, आपकी समस्याओं को हल करने वाली लड़ाई लड़ी है। तो आपसे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में आप पंजे पर बटन दबाकर किशोरी जी को विजयी बनाएंगे, ताकि हम वही सेवा की राजनीति, वही समर्पण की राजनीति वापस आपके क्षेत्र में ला पाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माफ करिए, कल 2-3 दिनों से भाषण दे रही हूं तो गला बैठा हुआ है। जय हिंद।